बहुत खूबसूरत शाम हरिद्वार में पहुंच चुके हैं। पीछे गंगा मैया बह रही है, ठंडा पानी एकदम पहाड़ों से उतरता हुआ, इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है। और हमें पीलीभीत हाउस IHCL सिलेक्शंस हरिद्वार के अंदर, और ये उनका छोटा सा अपना घाट है। और घाट पे क्यों आते हैं लोग शाम को, हरिद्वार की आरती इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, कितने सालों से की जा रही है, किसने की जा रही है, ये सब बताने के लिए हमारे साथ है पंडित राधा कृष्ण भास्कर जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, धन्यवाद हरिद्वार आने का, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो पंडित जी, पहला सवाल, गंगा आरती किसलिए की जाती है, इसका महत्व क्या है? देखो जी, गंगा जी आरती जो है, गंगा मैया की बहुत बड़ी कृपा है। गंगा मैया में आरती में ये बोलते हैं कि हे गंगा मैया, उनको प्रार्थना करते हैं कि शुक्रिया है, हमारे कपिल मुनि ऋषि आश्रम, कपिल ऋषि मुनि हुआ करते थे जी। उनके आश्रम में एक जो है अश्वमेध यज्ञ किया गया, एक घोड़ा छोड़ा गया, घोड़ा छोड़ करके जो है दिलीप ऋषि उनके जो है पुत्र अंशुमान ये सब कर रहे थे यज्ञ, तो घोड़ा छोड़ दिया था। घोड़ा किसी ने जो है कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा को बांध दिया। कपिल मुनि ऋषि जो है अपने आश्रम में जो है तपस्या कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, लेकिन अनावश्यक बिना मतलब को उनको चोर चोर कहने लग गए लोग, चोर चोर कहने लग गए, तो त्रहमाम त्रहमाम होने लगे। ऋषि जी को जो है कपिल मुनि जो, उनको गुस्सा आया, क्रोध आया, हजारों उनके जो 60,000 पुरखे तो उनको साफ दे करके भस्म कर दिया था। भस्म करा तो फिर जो है वो बिल्कुल जो है मुक्ति नहीं मिली उन लोगों को। फिर जो है एक जो है मीटिंग हुई देवताओं की, ऋषि मुनियों की, भाई क्या हो सकता है। फिर जो है कपिल मुनि ने कहा कि भाई इनके पूर्वज में जो है इनके वंशज में कोई तपस्या करे, गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में स्वर्ग में रहती है, तो स्वर्ग से कैसे आए गंगा जी, किस तरह से जो है फिर उनके जो वंशज हुए हैं उनके अंशुमान हुए, अंशुमान के बाद फिर भगीरथ जी हुए, उन्होंने भगीरथ जी में गोमुख धाम में तपस्या करके स्वर्ग से जो है ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा जी आए, और फिर गंगा भगवान की, कहा कि अगर वो धरती में गिरेंगे तो धरती टूट जाएगी। फिर शंकर भगवान की प्रार्थना करी कि इस वेद को कौन संभालेगा, और शंकर भगवान ऐसे बाबा, इनको भोलेनाथ भी बोलते हैं, जो सीधा आदमी होता है, जो सीधा भगवान उसको ज्यादा जिम्मेदारी काम करने के लिए दे देते हैं, तो बाबा भोलेनाथ की जटाओं में गोमुख जो हिमालय पर्वत में खड़े होकर के जटाओं से होते हुए नियम के अनुसार से वो जो है गोमुख होते हुए गंगोत्री धाम होते हुए और हरिद्वार होते हुए प्रयागराज होते हुए और जो है अपना जो है कपिल मुनि के आश्रम में गंगा सागर तक जो है उन पुत्रों का उद्धार हुआ, इसलिए जो है गंगा जी की आरती होती है। ये गंगा मैया आपका शुक्रिया कि हमारे पितरों का भी आप कल्याण करते हैं। गंगा जी में जो व्यक्ति आते हैं जो पितृकर्म करके यहाँ पे हरिद्वार में, तमाम देश विदेश से जो लोग आते हैं अपने पूर्वजों का, जो हमारे जो है दिव्य आत्मा होती जो पितृ बन करके इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो हरिद्वार में ही क्यों आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये महत्व है कि गंगा जी जो है यहाँ पे अमृत है और यहाँ से स्वर्ग चले जाते हैं, ये देवताओं का द्वार, यहाँ से पांडव भी जो है देवता लोग चले गए स्वर्ग लोग, बद्रीनारायण केदारनाथ है। एक आखिरी प्रश्न जी, मैं ऑलवेज सोचता हूँ कि शाम को आरती क्यों की जाती है जी, सुबह क्यों जी, मैं इसका आपको बताता हूँ। शाम को इसलिए आरती होती, इसको बोलते हैं धूली अर्घ समय, धूली अर्घ समय, धूली अर्घ का समय भगवान कृष्ण जो है, ठाकुर भगवान अपनी गायों को चला जो जंगल से चुंगा करके जो लाते थे, तो गायों की खुरों की जो धूली उड़ती है इसको बोलते हैं धूली अर्घ। धूली अर्घ के समय पे जो है संध्या काल के समय, जिस समय धूप छिपती हो और संध्या काल का समय आ रहा हो, इस समय देव लोग से अपने स्थानों से आकर के देवता लोग अपने पूजने का जो आह्वान, मंत्रों पे इतनी शक्ति होती, आरती पे इतनी शक्ति होती है कि वो आरती देखने आते हैं, और आप सब हम लोग आरती करके धन्यवाद धन्य भाग्यशाली तो होते हैं, और भगवान की कृपा गंगा मैया के आशीर्वाद हमें मिलता है, क्योंकि प्रत्यक्ष देवी देवताओं में भगवती गंगा मैया है। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सब लोग वेट कर रहे हैं आपकी आरती के लिए, आरती प्रारंभ होने जा रही है, आप भी आरती में रहिए, हमारा सौभाग्य है। पीलीभीत हाउस ताज होटल में आप बहुत बढ़िया बहुत आए हैं, बिल्कुल आरती हम प्रारंभ करते हैं। थैंक यू।